हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग देखिए बेटा सब्जेक्ट टीचर जो कि आपका पेज नंबर 9 पर है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए बेटा सब्जेक्टिव रिविजन पहले समझ लीजिए क्या है। सब्जेक्टिव रिविजन का मतलब होता है जो आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से आपका इस चैप्टर का रिविजन है, ठीक। तो ये आपको आ रहा है तो भी आप यहाँ पर एक बार देखेंगे और इस कंडक्टिव रिविजन के जितने क्वेश्चन है आप उसको करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है, आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, राइट इन रोमन न्यूमरल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नीचे आपको रोमन न्यूमरल दिए गए हैं इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो भी इसमें इंडो अरेबिक में, इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ध्यान से देखेंगे ये लिखा है उसको एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होता है 10 आपको बताया गया है, और बड़ा वैल्यू वाला जो सिंबल होता है उसके राइट साइड में यदि कोई छोटा वैल्यू वाला सिंबल होगा तो उसमें जो है उसको ऐड कर देते हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एफ का 10 है और यहाँ पर वी आई का मतलब ये 6 होता है, तो 6 में 10 ऐड हो जाएगा या 10 ऐड होगा तो क्या बनेंगे 16। इस तरीके से यहाँ उसको इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है एल एफ, यल का वैल्यू आप जानते हैं 50 होता है और एफ का वैल्यू 10 होता है, तो ये छोटा वैल्यू वाला सिंबल है, ये बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है, ये राइट साइड में है बेटा इस बड़े वाले सिंबल के, इसलिए इसमें जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, तो 50 + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनका एक्स एल, पहले इसको समझ लिया, एक्स एल जो है बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है, एक्स जो है छोटा वैल्यू वाला सिंबल है और एल भी जो है ये क्या है लेफ्ट साइड में है, इसलिए जो है एक्स की वैल्यू से एक्स का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40 और यहाँ पर वन जो है आई जो है क्या है ये राइट साइड में है, इसका वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा बन जाएगा आपका 41, क्या बनेगा 41, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे एस टी बी, यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है सी, ठीक है, सी का वैल्यू होता है 100 और इसके लेफ्ट में आप एस लिख रहे हैं इसका मतलब ये 90 हो गया, 100 - 10 = 90 में आप देखते हैं सी जो है सी के राइट साइड में भी है, सी का वैल्यू 5 होता है, 90 वी का वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या होगा 95, ये बन जाएगा आपका 95। इस तरीके से आप कोई भी रोमन न्यूमरल आपको दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। इसमें कंपटीटिव रिवीजन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, इसको आप कर लेंगे, इसमें छोटा छोटा नंबर दिया गया है, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, बी में लिखा है जो राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग इन बिग रीजिंग भी है, इसी बात है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, मतलब बड़ा से छोटे क्रम, बड़े से छोटे की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नंबर मान लीजिए आपको दिया गया है, जैसे
यहां पर लिखा है पानी का पहला क्वेश्चन आप देखिए यहां से एल एल फिर उसके बाद सी फिर लिखा है एक्स डबल आई फिर वी डबल आई फिर उसके बाद इस तरीके से उत्तर दिया गया है। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आंसर के रूप में यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहला नंबर कौन होगा? जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ होगा, ठीक है। तो पहले इसको आप देख लीजिए, ये है आपका एल एक्स। अभी एल एक्स को आपको बताया गया है ऊपर देखिए, एल एक्स को क्या करते हैं 60, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 60। इसको आप रफली करेंगे पहले, ठीक है। सी का वैल्यू आप जानते हैं तो 100 होता है 100। एक्स डबल आई का वैल्यू होता है 3 और बी डबल आई का वैल्यू होता है 4 और सी एल का वैल्यू होता है 150, ठीक है। तो आप यहाँ से आप जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तब आप समझेंगे इसको कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से इसको कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे जो बड़ा है या लार्जेस्ट नंबर सकते हैं इसको 150। तो 150 को आप क्या लिखते हैं सीयर। तो यहाँ लिखिए ई एल पहला नंबर इसका आएगा। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा सी एल के बाद आपका नंबर आता है ए हो गया। अब 100 का नंबर आएगा, 100 को क्या लिखते हैं सी। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा 60 एल 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 एल। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा एक्स डबल आई एक्स डबल आई और लास्ट में बचेगा आपका वी डबल आई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर है और आंसर लिखने का तरीका आपको बता दिया गया कि पहले इसको आप इनपुट और एडिंग में चेंज कर लेंगे। चेंज करने से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसमें आप आसानी से कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर आपको आ जाएगा करना नंबर का तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत आसानी से आप इस तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, उसको आप कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 फील एंड द ब्लैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है फील एंड द ब्लैंक यूजिंग रोमन न्यूमरल, आपको फील एंड द ब्लैंक करना है और किस नंबर का यूज करना है, रोमन नंबर का, ठीक है। तो इरेज कर देता लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फील इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 3, फील इन द ब्लैंक यूजिंग रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल का यूज करके आपको खाली स्थान से भरना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, इंडिया का इंडिया गॉट फ्रीडम इंडिया गॉट फ्रीडम आंसर अगर, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है कि द ईयर ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड है गांधी की
गांधी जी डायरा जयंती जयंती यहाँ की करना है आपको 1940 के और थर्ड अंका देर आर करना है आप मंथ और लास्ट है और अभी दिया है ईयर है दे फोर्थ सेंटेंस है आपका इसमें आपको भरना है तो यहाँ आप देखेंगे पहला यहाँ पर इंडिया गार्ड से जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था या स्वतंत्रता पाई थी ऑन अगस्त इन द ईयर 1947 मतलब 1947 अगस्त को इसमें आपको डेट या 15 अगस्त आपको पता है को आप रोशन में यहाँ पर ठीक करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा एस इन होता है इसके हम राइट साइड में बी एड कर देंगे मतलब इसका हो जाएगा एस बी ये आपका यहाँ पर फिर होगा 15 क्या है 15 है इसको आपको रोमन में ठीक करना है इसको आपको ध्यान देना है नेक्स्ट क्या देखेंगे तो गांधी जी डाइड ऑन जनवरी मतलब गांधी जी की मृत्यु हुई थी या मर गए थे जनवरी की डेट में इन 1948 मतलब 1948 जनवरी की कौन सा डेट था तो आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी ठीक है 30 जनवरी को इनकी तो यहाँ पर 30 के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे बेटा ट्रिपल एफ इस तरीके से ये 30 रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको रोमन न्यूमेरल का यूज करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देयर आर मंथ इन एक ईयर मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं तो आपको पता है कि एक वर्ष में जो है 12 मंथ होते हैं तो यहाँ पर 12 को रोमन में लिखना है तो क्या लिखेंगे एस एस डबल आई एस डबल आई ये 12 हो जाएगा और नेक्स्ट और लास्ट के यहाँ पर लीप ईयर है लीप ईयर का मतलब होता है अधिक वर्ष ठीक है इसमें जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज का हो जाता है और वन डेज जो है उसमें वन ईयर में इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपको कितना है ऐसे तो नॉर्मल ईयर रहेगा तो उसमें 365 डेज होते हैं लेकिन इसमें जो है 366 डेज हो जाते हैं तो यहाँ पर 300 के लिए क्या लिखेंगे ट्रिपल थ्री पहले ट्रिपल थ्री उसके बाद 66 करने का है एल एल सिक्सटी हो गया और सिक्स के लिए बी आई थोड़ा सा बड़ा है उसको लिखेंगे ठीक है 366 इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग अभ्यास करते रहेंगे और कम्युनिटी रिवीजन ये आपका कंप्लीट हुआ इसमें का जो क्वेश्चन अभी छूटा है इसको आप जो है फेयर पर लिख करके कंप्लीट कर लेंगे टोटल क्वेश्चन ए बी एंड सी ठीक है उसके बाद एक्टिविटी है इसके नीचे आप देखेंगे एक्टिविटी है ठीक ये मैच बॉक्स में जो आपको उसका स्टिक आता है सिलियां आती है उसका यूज करके आपको रोमन न्यूमरल इसको क्रिएट करना है बनाना है
तो आप इसको स्वयं करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और इसी तरीके से इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ लार्ज न्यूमरल्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।